वेलकम बैक। 90s के बडिंग एक्टर कमल सदाना काफी साल लाइमलाइट से गायब रहने के बाद इस हफ्ते लेकर आए हैं उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू रोल टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस, इंडिया की पहली एनिमल एक्शन एडवेंचर विद हाई एंड ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स रियल टाइगर्स। तो कितनी रिस्की रही सुंदरबंस में शूट की गई इंडिया की ये सबसे महंगी एक्सपेरिमेंटल फिल्म विद न्यू कमर्स, चलिए सुनते हैं रोल की कहानी उन्हीं की जुबानी। Hello and welcome to Business of Bollywood. Nice to be on the show. So Roar, आपने इतना different subject क्यों choose किया to start this as your directorial debut? देखिए, filmmakers हमेशा ढूंढते हैं कि एक ऐसा you know to launch themselves, whether पहली film हो या दसवीं film हो, कि नया subject मिले, एक नई location मिले. So as a filmmaker, I was struggling for a long time. You know, I wanted to direct films, I wanted to tell a story. I was looking for a script. और मुझे जो भी स्क्रिप्ट लोगों ने भेजी, दे वर ऑल रीमेक्स ऑफ साउथ फिल्म्स या हॉलीवुड फिल्म्स, नो वन वाज राइटिंग एनीथिंग ओरिजिनल। फिर मैंने कहीं पर ये पढ़ा था, कोई डाइजेस्ट में पढ़ा था कि यार ये जो टाइगर्स जो हैं, जो पानी से छलांग मारकर बोट्स पर और मछेड़ों को उठा लेते हैं, एंड आई सडनली फाउंड यार व्हाट अ विजुअल दिस विल बी टू सी अ टाइगर लीपिंग ऑन टू बोट एंड टेकिंग समबडी अवे। कैसा एक्सपीरियंस था सुंदरबंस में शूट करने का? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। शूटिंग से पहले मैंने 3-4 रेकी ट्रिप्स किए, एंड इस फिल्म को हमने बांग्लादेश साइड से एक्चुअली शूट किया, क्योंकि बांग्लादेश में अबाउट 80% ऑफ द सुंदरबन कम्स अंडर द बांग्लादेश टेरिटरी। रोज हम लोकेशन पर पहुंचते ही टाइगर्स के पग मार्क्स दिख रहे हैं, यू नो देयर वर टाइगर्स ऑल अराउंड अस। राइट। और एक कहावत है सुंदरबन, रियल टाइगर्स, नॉट द वंस दैट वर ट्रेन्ड, द वाइल्ड वन। कहावत है सुंदरबन के टाइगर में कि आप उनको कभी नहीं देख पाएंगे, वो आपको देखते रहते हैं। फाइनली जब शूटिंग शुरू हुई, मुझे याद है रसूल पुकटी जो हमारे साउंड डिजाइनर है, उन्होंने बोला था यार ये टाइगर्स का तुम साउंड वाउंड रिकॉर्ड कर देना, वी वांट रियलिस्टिक यू नो साउंड। अब जो हमारी जो मेन टाइगर थी शिखा, यू नो हु इज डूइंग ऑल द जंप्स एंड ऑल द बिग शॉट्स, अब वो शॉट देने को तैयार नहीं। तो फिर ट्रेनर आया, उन्होंने बोला कि यार ये शिखा जब तक लाउड रॉक म्यूजिक नहीं प्ले करोगे सेट पर, वो शॉट नहीं देगी। ओह वाओ। सो इट वाज, आई वाज लाइक यार क्या हो क्या रहा है यहां पर। तो हमारे पूरा जो पूरा सेट था, इट बिकेम लाइक अ डिस्को है, यू नो स्पीकर्स लगे थे एंड बैंगिंग म्यूजिक है, and only when the music had reached that level tab wo shika jaakar wo shots de di so you know we started experiencing weird things happening here. Also Salman Khan is supporting your film. ji film ke dauran jab hum actors ke sath hum training kar rahe the Mehboob studio mein, Y work ki training hui, commando training unse karwai, acting workshops hui thi, to jab hum Mehboob mein test shoots kar rahe the, training kar rahe the, to we should always bump into Salman, wo apni film ke liye koi shooting kar raha hota, so he was very curious to see how we are making this film. So he was very keen ke yaar tum log itna paisa laga rahe ho, ye kar rahe ho, wo kar rahe ho, kyun bana rahe ho film, mujhe kyun nahi liya ye superstars ko kyun nahi lete ho, and we were like nahi yaar ek to sabse pehle koi superstar wo aakar wo jungle mein rahega nahi, wo na to wo keechad mein bhagne wala hai, wo wahan par wo vanity van mangega to hum to wahi phas jayenge, wo shoot bhi kahin aur karna padega. Also, business of Bollywood की बात करें तो what is the difference between business of Bollywood then and today? आज जो है, it's very sad to say that we've reached a point where it's become this weekend collection है. तो you know a lot of the big stars, a lot of the big filmmakers are targeting कि यार ये Friday, Saturday, Sunday को मेरे इतने करोड़ बन गए, मेरे इतने करोड़ बन गए, and वही announce किए जा रहे हैं, वही announce किए जा रहे हैं. But no one is investing in subjects, no one is investing in writing, no one is writing anything new. Ya to south ki film ke rights khareed rahe hain, ya to west ki rights khareed, ya to dono khareed rahe hain, uski khichdi bana rahe hain. Creativity is kind so, of dead. From a business aspect, the numbers are staggering hai. Matlab jis tarah se ye jo business chal raha hai, the cost has become very high. True. Of marketing a film, you know, so small filmmakers are suffering a lot here, and they're not getting any support from theaters. Aaj trailer chalane ke liye bhi jo theater jo exhibitors hai, they are also charging a fee for that, which is now becoming a big burden on filmmakers, especially small filmmakers here. True. Kyunki they don't have that budget here. Thank you so much. Thanks.